नमस्ते जी, मैं वापस आ गया हूँ कोड गांव बेस कैंप में केदारकंठा ट्रिक करके। और इस बार ये मैंने ट्रिक DIY स्टाइल में विंटर सीजन में किया। और इस दौरान जो भी केदारकंठा ट्रिक के ऊपर चैलेंजेस थे वो इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूँगा, जो कि आपको मदद करेगा अपना विंटर ट्रिक करने में। तो आइए शुरू करते हैं। केदारकंठा विंटर ट्रिक में आपका फर्स्ट चैलेंज है कोल्ड। इस बार जब मैं अपने इस ट्रिक पे गया था तो कोल्ड बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। इनफैक्ट समिट क्लाइम करते हुए मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा फ्रीज कर रहे थे और उस कोल्ड को बीट करना बहुत चैलेंजिंग हो रहा था। वो अच्छी बात है कि मैंने अपने साथ अपनी प्रॉपर अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज़ को कवर करने के लिए जो लेयरिंग थी वो प्रॉपर थी। तो सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ प्रॉपर विंटर गेयर लेकर आएँ। अगर आपको इससे ज़्यादा और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंडिया हाइक्स की वेबसाइट पे किसी भी ट्रैक पेज पे जाके इसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें ईमेल या कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा आपका जो चैलेंज है वो है वर्गला सेक्शन या फिर फ्रोजन स्ट्रीम सेक्शन। केदारकंठा ट्रैक क्लाइम करते हुए फर्स्ट दिन के बाद आपको बीच बीच में कई ऐसे सेक्शन मिलेंगे जहाँ पे आपको फ्रोजन रिवर स्ट्रीम्स मिलेंगे या फिर वर्गला सेक्शन मिलेंगे। और ये एक माउंटेन हैजार्ड है, और अगर आप इस सेक्शन को मिस कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ही डेंजरस फॉल हो सकता है, जिससे काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। इस सेक्शन को पहचानने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। ऐसे सेक्शन आपको रिवर स्ट्रीम के आसपास मिलते हैं या फिर ऐसी जगह पे जहां पे लोग बहुत ज्यादा ट्रैक कर चुके होते हैं, तो एक ग्लास जैसी आइस की एक परत बन जाती है जो कि बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है। इसको अवॉइड करना सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, या तो फिर आप इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान से क्रॉस करें, अपने गाइड्स या फिर अपने एक्सपर्टीज के साथ ही इस सेक्शन को क्रॉस करें। ये सेक्शन आपको कई सेक्शन में मिलेंगे कैंपसाइट जाते हुए, और जब आप केदारकंठा पीक पे क्लाइम कर रहे होते हैं या डिसेंट कर रहे होते हैं तो बीच में ऐसे आपको वर्गला या फिर फ्रोजन स्ट्रीम सेक्शंस मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड सेक्शन है आपका स्टीप असेंट एक्सपोज्ड सेक्शन। अगर आप केदारकंठा रिज से क्लाइम करते हुए समिट की तरफ जा रहे हैं तो आप एक काफी ही शार्प रिज पे चल रहे होते हैं। कुछ सेक्शंस इसमें काफी स्टीप असेंट वाले हैं, कुछ सेक्शन काफी ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो कहीं पर भी डेंजरस जगह पे खड़े होकर फोटोग्राफ ना क्लिक करें। दूसरा, इस सेक्शन में आप दो ट्रैक पोल्स का इस्तेमाल जरूर करें और ऑफ ट्रेल जाने की कोशिश ना करें। चौथा आपका चैलेंजिंग सेक्शन है केदारकंठा से डिसेंट। बहुत सारे लोग डिसेंट दो जगह से करते हैं, काफी लोग रिज से ही डिसेंट करते हैं और कुछ लोग पीछे की साइड गेचवान वाले रूट से डिसेंट करते हैं। इस सेक्शन के ऊपर कुछ पार्ट्स ऐसे आते हैं जो काफी ही ज्यादा स्टीप हैं, और आपके अगर कोई भी जगह पे पैर फिसलता है तो काफी डेंजरस फॉल हो सकता है, और यहाँ पे आपको वर्गला के सेक्शन भी मिलते हैं। तो ऐसी जगह पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने दोनों ट्रैक पोल का इस्तेमाल करें, जिसमें आप अपने ट्रैक पोल की लेंथ थोड़ी ज्यादा बढ़ा के रखें। उसी के साथ साथ अगर आप डिसेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेट डिसेंट की बजाय जिगजैग करते हुए डिसेंट करें और अपने आप को सेफ स्पॉट पे लाके ही ब्रेक लें। और जब भी आप डिसेंट कर रहे हो तो अपने साथियों के बीच में कम से कम 1 आर्म डिस्टेंस का गैप जरूर रखें। फिफ्थ चैलेंज है आपका वाटर अवेलेबिलिटी। क्योंकि आप विंटर सीजन में ट्रैक कर रहे हैं तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रूट से क्लाइम कर रहे हैं तो पूरी जानकारी रखें कि उस रूट पे कौन कौन से पॉइंट पे आपको वाटर सोर्सेज मिलेंगे। और खासकर अगर आप DIY स्टाइल में ट्रैक कर रहे हैं, अगर आपको कैंप साइट पे जाके पानी नहीं मिलता तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि आप पानी कहां से भर के ला सकते हैं, या फिर आप अपना कैंप साइट किसी और जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी जानकारी के साथ अगर आप ट्रैक पे निकलते हैं तो आपका जो पूरा ट्रैक है वो आप सक्सेसफुली एंड सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स की कंप्लीट जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है अपने ट्रैक को सेफली एंड सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी ही यूजफुल रहेगी, और अगर आपको इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड अगर डीपली जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, या फिर आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं dushyant@indiahikes.com पे। आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और ज्यादा जानकारी के साथ आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं चले ट्रेकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ। थैंक यू सो मच।